आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाले स्नैक्स। अचानक से मेहमान आ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाएं, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप पानी, 500 ml, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पानी बिल्कुल हल्का सा गर्म होने के बाद ही डालेंगे 1 कप सूजी। पानी को ज़्यादा गर्म मत होने दीजिएगा, नहीं तो इसमें सूजी में गुठले पड़ जाएंगे। तो जैसे ही हल्का सा पानी गर्म हो जाए फ्लेम को कर देना लो, और लो फ्लेम पर हमने सूजी को गाढ़ा करना है। बहुत ही जल्दी सूजी फूल जाती है और बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। पर 2-3 मिनट लगेंगे आपको, गैस को कर देंगे बंद। सूजी गाढ़ी हो चुकी है, एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। फैला देंगे थोड़ा सा ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। अब सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, और 2 मैंने आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं उबले हुए, जिनको कि मैंने ग्रेट करके डाला है, और 1/2 कप डाल रही हूँ मैं चिवड़े का पाउडर यानी पोहा पाउडर, जिसे फ्लैटन राइस भी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, जो भी इसका मॉइस्चर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर, जिसके कारण से ये तेल बहुत कम सोखेगा और क्रिस्पी बनेगा। अब 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल डाला है ताकि सूजी हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब सूजी हमारी बाइंड हो चुकी है, इसको हम सिंपल सी गोल शेप दे रहे हैं। शेप आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मैं तो सिंपल सी शेप बना रही हूँ। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक बार ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम कर देना मीडियम, मीडियम फ्लेम पर ये स्नैक्स फ्राई होंगे, और जैसे जैसे ये फ्राई होंगे वैसे वैसे तेल में से झाग कम होता जाएगा। इनको पलटते रहेंगे बीच बीच में। अब ये देखिए सारे तेल के झाग खत्म हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है, तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हैं। अब इनको हमने निकाल लिया, इसी तरह से हम दूसरा बैच अपना फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई होंगे, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बनकर भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको ये स्नैक्स पसंद आई हो तो अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।